कोरोनार द्वितीय स्ट्रेन को नहीं एवं सबुआड़े आतंक खास करी राज्य में जो रही सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ए सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रे कोरोना संक्रमण को संख्या धीरे धीरे वृद्धि पावर लगी। छत्तीसगढ़ लिंक रु जो संक्रमण हो सबुठ सांघातिक रही कारण जो सुंदरगढ़ जिलार अधिकांश जो क्षेत्र रही कि जो बॉर्डर एरिया रही छत्तीसगढ़ संस्पर्श रही जहाँफल संक्रमण संख्या दिनक दिन वृद्धि पाँच पाखापाखि 200 ऊपर रही संक्रमण संख्या आज 300 ऊपर रही नूतन संक्रमण संख्या। सीधा सड़क आलोचना करने आम सहित जोड़ी होती महानगर निगम कमिश्नर आईएस दिव्यज्योति परिडा जानवा कोविड्र स्थिति कोविड्र जो समीक्षा विषय कौन रही राउरकेला सहर में। हाँ सर आप आलोचना को स्वागत। ये कोविड जो द्वितीय स्ट्रेन को नहीं कौन सब कराऊँगी कौन सब पदक्षेप नि देखो जो छत्तीसगढ़ रे जो प्रकार स्प्रेड ताको आशंका करी आमर जो लेटेस्ट अर्डर बाहर था डिपार्टमेंट रु ताको आम बहुत कड़ाकड़ी भाव में पालन करुचु। यह आम तीन प्रकार काम करुचु। गोटे हूँ आमर वैक्सीनेशन एवं आमर टेस्टिंग ड्राइव बहुत जोरसोर से चली। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आम भल भाव करुचु। आरआरटी टीम आमर जो मैंने होम आइसोलेशन अच्छा गत काल सुधा जो 270 थिले आज 300 क्रॉस करिवो से आरआरटी टीम माने जाए कि तांकु प्रॉपर्ली देखुचंती कि किछि सिम्पटम अछि कि नाही एवं जदि सिम्पटम अछि तांकु इमीडिएटली हॉस्पिटल्स को अणा होउछि। नेक्स्ट आमे कोन करचु आमे हाउस टू हाउस सर्वेलेंस करचु। एबे हमरो मैसिव हाउस टू हाउस सर्वेलेंस जेमती लास्ट इयर करथिलु एबे सेटा चली छि कंटीन्यूअस प्रोसेस। सेथरे आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स माने जाए कि ईच घरे प्रत्येक घर देखुं कहार किसी सारी कि आईएलआई सिम्टम अच्छी कि ना जदि सेमती अच्छी तेल इमिडियेटली आम टेस्ट करूँ आइसोलेशन ध्यान दूचु। एवं आम इमिडियेटली एसपी राउरकेला सहित आम बसिक गोटे मीट नहीं जोटि कि आम सब बस ओनर्स मानक डाकिलू स्ट्रिक्टली कहीलु जो गुड़ा इंटरस्टेट बस किसी आसूरी तार लिस्ट दिंतु से मानी पूरा पैसेंजर सूची रखिबा कंपलसरी से माने आमको डिटेल रे कहिबा जदि के बाहर आसुची ताले फॉर्म फिल अप करी कि ता ना ता एड्रेस ता फोन नंबर सहित आमको देबे न हेले एही बस मानको उपरे कड़ा कार्यानुष्ठान करा जीवो। एहा छड़ा आमे स्वतंत्र पांचटा टीम करिचु आरएमसी तरफ रु जो माने कि पर्टिकुलर मार्केट एरियाज रे जाई कि एनफोर्समेंट करिवे अलोंग विथ दी एट टीम्स जोटा कि पुलिस तरफ रु होईची प्लस आउ दुटा भी बढ़ा हैची तो आम पूरा कोऑर्डिनेटेड मैनर रे वार्ड वाइज आम जा एनफोर्समेंट करुचु। लोक मानू बुझेवा को चेष्टा करुचु जे कि एबे आम सब जरूरी होची मास्क पिंधिबा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिबा प्लस अति जरूरी न हेले बाहर को न जीवा पाई जो संदेश देचंत सेटा को आम कड़ाकड़ी भाव में पालन करुचु। जो माने रूल वायलेट करचंती स्ट्रिक्टली तांका अगेंस्ट एक्शन निया होची आउ दुकान मानू जे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तांको दुकान सामने करूनांती वा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करूनांती से मानको अगेंस्ट आमे इवन शॉप को सील करिवार मध्य आदेश दिया होची। सर प्रथम पर्याय जितेबाळे आसीथिला सेतेबाळे राउरकेला महानगर निगम को मुख्य भूमिका ग्रहण करथिला अनेक मात्रा रे एको कंट्रोल करिवार मध्य सक्षम होइथिला आपनको तत्वावधान ने किंतु एथरो जो द्वितीय लहर देखा होची बहुत शीघ्र व्यापुची किंतु जेहेतु बॉर्डर एरिया रे चेकिंग होउनी तो बॉर्डर एरिया रे चेकिंग न होतवारो जो बस कोंतु किमा ट्रेन कोंतु से माने अवाध रे लोक माने जिबा आसिया करूचंती आ जहां पर रोक लगे आपन पई एको चैलेंज हबो तो चैलेंज को केमती आपन एक्सेप्ट कर देखंतु आज हमरो बॉर्डर चेक पॉइंट ऑलरेडी माने आपन जानिथिबे जे बॉर्डर चेक पॉइंट ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो जाएगी। आज आम आरटीओ जा सब भल भाव एग्जामिन करते रूट्स गुड़ा कौन हो गाड़ी कौट आसूरी प्लस आमर पुलिस विभाग तरफ राउरकेलार एंट्री एक्जिट पॉइंट्स सब जगार आम चेक पॉइंट्स करूँ जोटि किसी मिस आउट होमें धरीपर एवं बुझे पार तो बेसिकली आम गोटे फुल प्रूफ प्लान करी चलीचु जोटि जेकोसी बड़ गाड़ी बस हो कि अलग व्हीकल हो जदि बाहर आसूरी आम तार खबर पाई तो वन्स आम खबर पाई आम जदि किसी कह सारी कि आईएलआई आम डिटेक्ट करें इमिडिएटली आम फॉलोअप करुचु। आमती कि अर्डर में आसी आपणकर आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट 72 आवर्स भितर कि आपणकर जदि वैक्सीनेसन सर्टिफिकेट नहीं जदि आप बाहर आसी आपको जमती हेले भी होम आइसोलेसन रहिबाकु पड़िबो से ये पूरा प्रबंध कराई आम स्ट्रिक्टली फॉलो करचु। आउ एबे भी जो एबे हटात की जो राइज होइछि बॉर्डरिंग एरियाज रे
ଆମେ ତାକୁ କେମିତି କାଉଣ୍ଟର କରିବୁ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଆମେ ଆମର CCC ଏବଂ TMC ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଚାଲିଥିଲା ତାର ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ଉଛୁ ଆଉ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୱିଦିନ୍ ଅ ୱିକ୍ ୱି ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 900 ବେଡ୍ସ। ତ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଏବେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ରୁଲ୍ସ ଫଲୋ କରିବେ। ୟାର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ଅନନେସେସରି ଦରକାର ନହେଲେ ଜାଗାକୁ ନ ଯିବା। ଯଦି ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ଫଲୋ କରିବେ, ଭିଡ଼ କରିବେନି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଆମେ ଅଟକାଇ ପାରିବା। ଭଲ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଯେଉଁ ରହିଛି ଛତିଶଗଡ଼କୁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ରହିଛି ସେମିତି କିଛି ବନ୍ଦ କରାଯିବା ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି? ନାଇଁ, ଏବେ ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର୍ସ ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେମାନେ ଏବେ ଏଇଟା ଇନସ୍ୟୁର କରୁଛୁ ଯେ ବାହାରୁ ଯିଏ ଆସୁଛି ତାଙ୍କର କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯେମିତି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଆମର ପ୍ରପର୍ ଟିମ୍ ଅଛି, ସ୍କାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍କ୍ରିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କେଉଁଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କାହାର ସିମ୍ପଟମ୍ ଅଛି ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ବସ୍ମାନଙ୍କରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ଆସୁଛି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଆସୁଛି, ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ତ ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ବଟ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି କି ବେଙ୍ଗଲ ପାଖାପାଖିରୁ ଆସୁଛି ସେ ସବୁ ଖବର ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ରହୁଛି। ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ୍ ଆଉ ସ୍କୁଲ୍, କଲେଜ୍ ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାରଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ରହିବ। ଯେମିତି ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଇଭିନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଟା ଇନଫର୍ମ କରିଛୁ ଯେ ରେଗୁଲାର ସ୍କ୍ରିନିଂ ହେଉ, ଯଦି କେଉଁଠି ବି କିଛି କେସ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆମେ ତୁରନ୍ତ ସେଠି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଯଦି କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ କେଉଁ କିଏ ପଜିଟିଭ୍ ବି ବାହାରୁଛି ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେଇଟା 48 hours ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିକି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତା'ର ସାନିଟାଇଜେସନ୍, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲେଇଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମର କମିଶନର ରହିଛନ୍ତି IAS ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା, ସେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ତେବେ ଗତଥର ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ପାଲଟିଛି, କାରଣ ରାଉରକେଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଶଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଏକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଏହାର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କିଭଳି ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ସେ ଦିଗରେ ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଯେଉଁ CSC ସେଣ୍ଟର କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ପୁଣି ଥରେ ରିଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ଆଉ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ସେ ଟିମ୍ ସବୁ ଜାଗା ବୁଲି ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବେ। ରାଉରକେଲାରୁ ଅମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।